नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद रेलिको चिन्हट गोमती नगर उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश नीरज गुप्ता जी। सर बताइए, जो आज कार्यक्रम है उसमें क्या क्या सर है? सब पहले तो आप मीडिया हमारी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना आपके माध्यम से हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोग हमेशा जो है सरकार तक या सब योजनाएँ जो भी व्यापार मंडल या समाज सेवा हम लोग करते हैं तो आपके माध्यम से पहुँच जाती है। तो हम लोग का एडको चिन्हट गोमती नगर की इकाई है, भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष में हूँ, नीरज गुप्ता मेरा नाम है। हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ पाँच प्रोग्राम साल में 3-4 प्रोग्राम जो समाज सेवा किसी भी प्रकार की मदद या कुछ भी जनहित में हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो होली मिलन समारोह तो हम लोग इसलिए हर साल एक बड़ा काम करते हैं कि जितने भी व्यापारी लखनऊ से जो अपने कस्बे से जो भी भेदभाव है वो उसको दूर कर सके और एक आपस में तालमेल मिला के हम लोग काम करें, एक दूसरे की सुविधा होती है और साथ में बिजनेस भी बढ़ता रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा कुछ ये भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के जिले के जिला के लिए एडको चिन्हट व्यापार मंडल कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। सर उपाध्यक्ष जी, जो आज व्यापारी होली मिलन एवं सम्मान समारोह है, कितने लोगों का सम्मान समारोह कर रहे हैं सर? कम से कम ये मानिए सरकारी लोग जो सरकारी विभाग का पुलिस विभाग, उसमें नगर निगम, डॉक्टर, बिजली विभाग, लगभग सारे विभाग जितने भी हैं उसमें लगभग 70 से 80 आदमी सरकारी विभाग का जो है उनका शपथ, उनका हर साल सम्मान करते हैं। हम लोग साल जो कार्य अच्छे करते हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको हम लोग हर वो सम्मानित उनको सम्मानित करके हौसला बढ़ाते हैं कि हम लोग उनके तालमेल आपस में बने रहें और किसी का मतलब भेदभाव और अत्याचार उसके ऊपर ना हो। और कुछ अपने व्यापारी समाज के लेके भी हम लोग करीब 40 से 50 लोगों का जो अच्छे समाज में जो समाज सोच को लेके चलते हैं और कुछ कार्य करते हैं, वो पैसा तो सबके पास लेकिन दिल भी नहीं होता लोगों के दिन, तो जो ऐसे भी कार्य तो हम लोग ढूंढ के उनको भी समाज जो है अपने व्यापार मंडल से बलात्कारियों से उनका भी सम्मान करते हैं। सर ये बताइए कि जो आप आज व्यापार मंडल की तरफ से समारोह कर रहे हैं सर, इसमें प्रदेश के लखनऊ वासियों खासकर व्यापारी लोगों को लिए एक संदेश दीजिए 30 सेकंड का। संदेश में ये भाई साहब, व्यापार मंडल अपना जो है सभी व्यापार मंडल जितने भी दल हैं सब अलग अलग करके, जो भी दल अलग है अलग बात, मंच स्टेट गेट अलग हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग का काम और कार सब एक ही, सोच एक ही है। तो कभी भी जितने भी व्यापार मंडल और भी हैं सब, हमारा कहना यह है कि कम से कम कोई बात या कोई समस्या उठती है, कोई भी दल का व्यापार मंडल हो लेकिन कोई व्यापारी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वो सभी मंडल अध्यक्ष जितने भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी एक साथ आके उस समस्या का हल होना चाहिए, उस व्यापारी को राहत मिलना चाहिए। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि में हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश गुप्ता जी होंगे, अपने संगठन के पूर्णा त्रिपाठी जी होंगे, अध्यक्ष हमारे आपकी जी अहमद जी है, प्रभारी हैं वो होंगे, बाकी जिला और प्रदेश की टीम और बाकी सरकारी विभाग जो ACP हैं, पुलिस विभाग हैं, डॉक्टर हैं, जो है सब हैं, और विधायक जी का भी आने का मतलब चांस है, अभी कंफर्म की इलेक्शन के चक्कर में तो अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमने लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि किसी समाज में के लिए संदेश जाए, हम सिर्फ व्यापार मंडल और व्यापारियों के लिए बोल रहे हैं, किसी राजनीतिक दल से हम लोग कोई नहीं। अब तक किस तरह कार्यक्रम करा चुके हम लोग होली मिलन समारोह? ये पांचवा ये अपना होली मिलन समारोह है और हर साल जगह चुनौती रहती है। इस अगले हम लोग मिडिल स्कूल में किए थे, लगभग 2500-3000 आदमी, अब की तो लिमिटेड है कि आचार संहिता भी लगी हुई तो सब कुछ पालन करते हुए, तो बस 400-500 आदमी लिमिटेड जो खास है उनको बुला के जो एक दूसरे से नहीं मिलते उनको जो है आगामी लोकसभा चुनाव बेहद निकट है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोकसभा चुनाव है लेकिन व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है या कोई भी जो लोकल स्तर के नेता भी है वो कुछ ना कुछ व्यापारियों के लिए वो बात नहीं हो पा रही। सर व्यापारियों की जो प्रदेश स्तर पर समस्याएं हैं उसमें क्या क्या समस्याएं हैं आप बताएं सर? समस्या जैसे आप कहीं ना जाइए, जैसे अभी आपके साथ द्वारे आप खड़े थे, नाला खुदा हुआ सबसे बड़ा, अभी 2 महीने पहले नाला खुदा था, आज लगभग 2 महीने हो गए। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी राजनीति से मतलब भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे नाले की समस्या, 2 महीने पहले नाला का उद्घाटन हुआ, हमने एक गाड़ी चली गई थी गड्ढे में, हमने उसको अप्लीकेशन दिया, उस पर वो नाला मतलब शुरुआत हुई, जहाँ जो बनना था वो नहीं बना, उसके बाद पूरा नाला खुदते चला, लगभग यहाँ हमारे एडको चौराहे से मल्होर के पास लगभग 70-80 दुकानें हैं, आप अभी बाहर सर्वे कर लीजिए, लगभग सारी दुकानें बंद हैं, और सारी दुकानें लगभग वो आधी ज़्यादा किराए के हैं, किराएदार हैं और बेचारे सब पीड़ित हैं कि नाला खुला हुआ है, गंदगी अलग है ना, उस पर नाला आधा बन भी गया है तो उसे गंदगी नहीं है या उसको ढका नहीं जा रहा है। सरकार से अपील क्या करना चाहेंगे? सरकार से अपील ये, कुछ ऐसे अधिकारी या कुछ छोटे स्तर से नेता जो हैं वो पार्टी को बदनाम करने की प्रयास करते हैं, व्यापारी नाराज, व्यापारी को पता नहीं उसकी गलती तो गवर्नमेंट ने उसको पास किया,
और पास में ठेकेदारों की जो सरकारी विभाग जो भी काम कर रहा है उनकी कमी है, कहीं ना कहीं वो नुकसान करने का काम और गलत सर्विस करने का काम पार्टी सरकार के अलावा खिलाफ करता है। आगे के लिए क्या आपने आगे मेरा ये होली में समारोह आज हो जाए, दो तीन दिन में हम लोग बात करते हैं, नगर आयोग से बात करेंगे, जहाँ जिस बात की इस पर समस्या जैसे दिन नहीं उठी तो चार इतनी समस्या हल नहीं की जाएगी तो उसका मंडल से हम लोग आम जनमानस संदेश का देना चाहेंगे अपने चिन्हट व्यापार मंडल को। चिन्हट व्यापार मंडल से तभी तो जो भी मौके पर फिर वो देखा जाएगा, वो मौके जो भी आते हैं समस्या हो तो चुनाव हो या समस्या कोई भी हो तो रात रात आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आम जनमानस के लिए बस खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और होली की होली सबको शुभकामनाएं और सब का व्यापार खुले फूले, ईश्वर से कृपा है, सब एक दूसरे के सब अच्छे बने।